लखनऊ के कैप्टन केएल राहुल ने बताया अपना माही कनेक्शन, कैप के नंबर से जुड़ा है राज। तमिल फिल्मों से इंस्पायर्ड हैं राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन। उनकी ह्यूमरस साइड के बारे में बताया टीम के मेंबर आर अश्विन ने। और विराट कोहली की है यंग प्लेयर्स में एक लंबी फैन फॉलोइंग। किसी के फोन में है विराट का वॉलपेपर तो कोई लेता है ऑटोग्राफ। प्रसाद की क्वांटिटी कितनी होती है? कितनी सी, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद होता है ना, पाते ही भक्त खुश हो जाते हैं। ठीक वैसे ही धोनी भले ही एक बॉल खेलने के लिए ही क्यों ना मैदान पर आ रहे हो, फैंस का खुशी से झूम उठना तो पक्का है। लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट धोनी तो 14th ओवर से ही पैड बांधकर तैयार हो गए थे मैदान पर आने के लिए, लेकिन ऋतुराज और शिवम दुबे ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। कैमरामैन बार बार माही को ड्रेसिंग रूम में तैयार होते हुए दिखा रहा था। धोनी ने कई बार कैमरे से लुका छुपी करने की कोशिश की, लेकिन घूम फिर कर कैमरामैन माही पर ही फोकस करने लगा। इस बार माही हल्का सा झुंझलाए और पानी की बोतल से कैमरामैन को हटने का इशारा किया। लेकिन आप तो जानते ही हैं आईपीएल के कैमरामैन को घूम फिर कर इनका फोकस आ ही जाता है। वैसे माही के साथ अफेक्शन और कनेक्शन का एक किस्सा तो लखनऊ के कैप्टन केएल राहुल ने भी शेयर किया। 2021 में जब लखनऊ को आईपीएल की नई टीम के तौर पर शामिल किया जा रहा था तो केएल राहुल के पास इसकी कैप्टनसी का ऑफर आया। जानते हैं उस वक्त केएल राहुल के दिमाग में सबसे पहला थॉट कौन सा आया? उनका ध्यान सबसे पहले धोनी की कैप पर गया जिस पर नंबर 1 लिखा है, क्योंकि वो अपनी टीम चेन्नई के पहले खिलाड़ी थे। और तब राहुल ने भी यही सोचा कि लखनऊ टीम के वो पहले खिलाड़ी होंगे और उनकी कैप पर भी नंबर 1 लिखा जाएगा। देखा राहुल का माही कनेक्शन। और T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में कौन सा विकेट कीपर चुना जाएगा, इसे लेकर डिबेट जारी है। रिकी पॉन्टिंग और सौरभ गांगुली अपनी टीम के कैप्टन ऋषभ पंत को बैक कर रहे हैं, तो कमेंट्री कर रहे फॉर्मर प्लेयर हरभजन सिंह की पहली चॉइस है राजस्थान की कैप्टन संजू सैमसन। हरभजन सिंह का कहना है कि संजू को न सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें रोहित शर्मा के बाद अगले T20 कैप्टन के तौर पर भी ग्रूम किया जाना चाहिए। संजू सैमसन अच्छे प्लेयर हैं ये तो हर कोई जानता है, लेकिन उनकी तमिल फिल्मों को लेकर दीवानगी के राज खोले टीम के मेंबर आर अश्विन ने। अश्विन ने एक इंटरव्यू में बताया कि संजू ऑफ द फील्ड काफी फनी है। वो हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाएं बोल लेते हैं और तमिल फिल्मों के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। उनका ह्यूमर तमिल फिल्मों से आता है जो हर किसी की समझ में नहीं आता। अश्विन और संजू की बॉन्डिंग फिल्मों की वजह से ही हुई। दोनों ऑफ द फील्ड भाइयों की तरह रहते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड संजू काफी प्रोफेशनल हैं, जो अश्विन के मुताबिक उनके अच्छे कप्तान होने की पहचान है। और अच्छे कप्तान का तो पता नहीं, लेकिन अपने गेम से यंगस्टर्स के दिलों में जरूर जगह और रिस्पेक्ट बना ली है विराट कोहली ने। विराट हर मैच के बाद ऑपोजिशन टीम के यंग प्लेयर्स से इंटरेक्ट करते नजर आते हैं। विराट जितने स्टेचर के प्लेयर हैं, ऑब्वियसली हर कोई उनसे टिप्स लेने का मौका नहीं गंवाना चाहता। आरसीबी टीम के मेंबर वर्षक विजय कुमार के लिए तो कोहली उनके आइडल हैं, जिनका वॉलपेपर वो अपने फोन पर लगाकर घूमते हैं। वहीं आरसीबी के ही रजत पाटीदार ने बताया कि कैसे आरसीबी के लिए सेलेक्ट होने के बाद उन्हें विराट कोहली से कॉल आया था और उनकी आवाज सुनकर ही रजत काफी सरप्राइज्ड हो गए थे। लेकिन जब उन्हें विराट की तरफ से टेक्स्ट मैसेज आया तो उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। और विराट के सामने फैन बॉय मूवमेंट आरसीबी के ही मयंक डागर का भी हुआ। 2016 में उनकी विराट से पहली मुलाकात विराट की फाउंडेशन के इवेंट पर हुई। 2018 में पंजाब की तरफ से खेलते हुए उन्होंने विराट के साथ एक पिक्चर क्लिक कराई। पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद की अपनी जर्सी पर वर्षक ने विराट का ऑटोग्राफ लिया और इस साल उन्हें आरसीबी की कैप मिली खुद विराट कोहली से। अब किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। इसे नहीं कहते तो आप किसे कहते हैं।